राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें राजसमंद के रेल मगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दो दिन पहले गुमशुदा व्यक्ति की लाश बरामद की गई है। आपको बता दें कि रेल मगरा में गवाड़ी पंचायत के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पानी के गड्ढे में तैरता मिला है युवक का शव और ये मामला प्रथम दृष्टि या फिर हत्या का बताया जा रहा है। यानी कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आ पाया है कि ये हत्या की गई है और उसके बाद गुमशुदा हुआ ये युवक और अब शव बरामद किया गया। दो दिन पहले रेलमगरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मौके पर पहुंची रेलमगरा थाना पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रमोद जोशी। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर, कौन ये युवक है, नाम क्या है युवक का और हत्या की गई है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया? जी मैडम, खबर है राजसमंद के रेलमगरा से। दो दिन पूर्व एक परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और रेलमगरा गवाड़ी ग्राम पंचायत का मामला है ये जी। और व्यक्ति का नाम है रोशन यादव, पिता प्रभुलाल बताया, निवासी धनेरिया गढ़ में बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये प्रथम दृष्टया एक हत्या का मामला बताया जा रहा है और पानी में तैरते हुए मिली थी युवक की लाश। तो प्रमोद, क्या आसपास के नहीं लोगों ने देखा हो या कोई आसपास, अगर कोई सीसीटीवी तो खैर नहीं लगा होगा, लेकिन कोई लोग हो जिनसे पता चल पाए कि ये कौन है और साथ ही साथ वहाँ क्या करने गया था, कोई आसपास क्या दोस्तों के साथ ये गया था? नहीं मैडम, अभी तक ये कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह एक गड्ढा जिसके कारण वो दूरी पे है। हाँ। आने जाने के बाद लोगों को दिक्कत होती है, ये कहने की हत्या की आशंका बताई जा रही है कि अभी वो क्लियर नहीं हो पाया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो परिवार जन है उनका क्या कुछ कहना है, जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी तो कहां गया था युवक? जी मैडम, इसका अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया, गुमशुदा दी थी उस जानकारी एकदम क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी की है और उनका कहना है कि जैसे भी होगा तब खुलासा करेंगे। ठीक है, लगातार अब इस खबर पर अपडेट देते रहिएगा। प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जानकारी के लिए। राजसमंद के रेलमगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता रहे थे, जहां पर दो दिन पहले गुमशुदा व्यक्ति की लाश मिली है। उससे पहले गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, उसके बाद जब रेस्क्यू चला तो पता चला कि ये, आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि जहां पर युवक का तैरता हुआ शव मिला पानी के गड्ढे में, और ये मामला प्रथम दृश्य की अगर हम बात करें तो ये हत्या की आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस की ओर से भी कुछ अब तक क्लियरेंस नहीं है, लेकिन लगातार पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है।